के इश्यूज को पिकअप करें और हमारे मंत्रीगण हमारे साथ रहें कई मीटिंग्स के अंदर, जिला प्रशासन विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी ऑफिसर्स सबके साथ बैठ के रिव्यू किया है, समीक्षा करी है। और जो सबसे आज प्राथमिकता हमारी है वो पीने के पानी की है, बिजली के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के अंदर पर्याप्त पानी लोगों को कंटीजेंसी फंड के माध्यम से मिल सके, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि ये अगले 3-4 हफ्ते सबसे जटिल हैं, सबसे मुश्किल हैं, तो भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों को कैसे बचा सकते हैं। नरेगा के अंदर 1.5-2 महीने के बाद श्रमिक कम आएंगे, इसलिए इन्हीं महीनों के अंदर लोगों को आमदनी का सूत्र मिल सकता है। ये नरेगा के माध्यम से इसको और व्यापक बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ओवरऑल प्रशासन के माध्यम से हमारी सरकार ने, पार्टी ने जो वादे किए जनता से, उनको पूरी तरह धरातल पर उतार सकें, इसकी समीक्षा की है। इस पर हमें जोर देकर इन्हीं मुद्दों को रेखांकित किया है, और मुझे खुशी है कि सभी प्रशासन के अधिकारी मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं हार्दिक होती रहती है। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम सब कांग्रेसजन मिलकर एक मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में जाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे, और हमें जो राजस्थान में सेवा करने का मौका दिया है उस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाएंगे। लोकसभा चुनाव हम लोग नहीं जीत सके हैं, उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार मजबूती से काम करेगी और लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगी, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पेंशन की स्कीम्स हों, चाहे वो लोगों के घरों के अंदर हम कैसे बिजली पानी पहुंचा सकते हैं। इन सभी बेसिक मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है, और मुझे खुशी है कि पूरे ज़िले में, गांव ढाणी में हम खुद पहुंचे हैं, लोगों से मिले हैं, नागरिकों से संवाद किया है, और पब्लिक के इश्यूज़ को हमने टेकअप कर उसको उसका समाधान ढूंढने का काम पूरे प्रदेश में जाएंगे क्या? इसकी मांग पुरानी है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की मांग है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव को मिसिंग लिंक वाली मांगे हैं, NH के काम जो पेंडिंग है, क्योंकि चुनाव था तो भारत सरकार पैसा हमको नहीं दे पाई थी, हम कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 महीने में पूरा पैसा हमारे पास आए। बड़े प्रोजेक्ट जो पहले हैं हमने लिए हैं, वो कहीं पर भी उनमें विलंब नहीं आएगा, और उनको समय से पहले हम लोग पूरा करेंगे।